और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रफ्तार का कहर नजर आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया है। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को ट्रक ने कुचल डाला। 4 लोगों की मौत हो गई है और 1 घायल की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है और इसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली के सीमापुरी की यह घटना है जहां ट्रक चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। 4 लोगों की मौत हो गई है और 1 घायल की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, तफसील से जानकारी दीजिए, किस तरह से यह हादसा हुआ और ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, बात की जाए समीर, तो रात तकरीबन 2 बजे के आसपास ये कॉल थी। दरअसल एक ट्रक ने ड्राइवर रोड डिवाइडर पे सो रही 6 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 4 लोगों की अस्पताल में मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत अभी सीरियस बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर जो है हादसे के बाद से मौके से फरार हो गया। लगातार उसे ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है और साथ ही कई टीमें जो है वो लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है आसपास की वो भी खंगाली जा रही है। तो पुलिस का कहना है कि जल्द ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दुखद हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी डिटेल्स पुलिस ने अभी शेयर की है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चलिए, शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। सड़क किनारे सभी लोग सो रहे थे, फुटपाथ पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 1 घायल की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस।